हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे नेक्स्ट आइसोमेरिज्म दैट इज द पोजिशन आइसोमेरिज्म इन प्रीवियस वीडियो वी टॉकड अबाउट चेन आइसोमेरिज्म हाउ यू कैन आइडेंटिफाई चेन आइसोमर्स इन अ मॉलिक्यूल नाउ द नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म इस पोजिशन आइसोमेरिज्म में आपको क्या बातें याद रखनी है वो मैं लिख देता हूं नंबर वन इज टू आइडेंटिफाई पोजिशन आइसोमर्स मदर चेन जो है मदर चेन या हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं इसको या फिर क्लास जो है डेट मस्ट बी सेम मदर चेन और क्लास ऑफ कंपाउंड डेट मस्ट बी सेम मतलब ये कि क्लास हेयर मीन्स अगर अल्कोहल uh, कैटेगरी है तो अल्कोहल ही होना चाहिए सारे आइसोमर्स Yeah, alkyl hal to alkyl halitis he it should not be like that one is alcohol next is ether then that's not a position isomerism so mother chain and class they must be same and what differs is the position of functional group so position of functional group yeah multiple bond. position of functional group or multiple bond or we can say substituent that must be different that must be different so these are the two conditions which you must remember in order to identify position isomers in a molecule so mother chain or parent chain or uska class jo hai wo same hona chahiye. what must differ is the position of functional group, position of multiple bonds or if there is substituent attached, so position of substituent present. So, this gives rise to position isomers. Let's have an illustration of it by means of certain examples. We have example number 1 here. Suppose, we have CH3, single bond CH2, single bond CH2, then single bond Cl. This is uh, basically 1-chloropropane.

सो इन बोथ केसेस मेन चेन इज सेम अगर आप फार्मूला देखेंगे मॉलिकुलर फॉर्मूला इसमें तीन कार्बन so three, C3. H है सो थ्री सी थ्री एच कितने हैं तीन दो हो गए पांच दो हो गए सात एच सेवन एंड देन सी एल इसमें देखेंगे तीन कार्बन सी थ्री एच तीन तीन हो गए छ और एक हो गए सात देन सी एल सो आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सो दे आर आइसोमर्स बट वाट काइंड ऑफ आइसोमर्स आर दे अगर आप देखेंगे इसमें कार्बन चेन तीन कार्बन का है इसमें भी कार्बन चेन तीन कार्बन का है मतलब पैरेंट चेन दोनों में सेम है ये भी अल्काइल क्लोराइड कैटेगरी का है ये भी अल्काइल क्लोराइड कैटेगरी से है मीन द क्लास इज ऑल्सो सेम बट वट डिफर्स इस में पोजिशन ऑफ क्लोराइड दैट इज द फंक्शनल ग्रुप इज एट कार्बन नंबर वन बट इन दिस पर्टिकुलर केस इट्स एट कार्बन नंबर टू सो द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट सो वट दे आर दियर फोर पोजिशन आइसोमर्स सो दे आर दियर फोर पोजिशन आइसोमर्स सिमिलरली हम एग्जाम्पल लेंगे वन मोर दैट इज हेयर सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एल या सी एल के बदले हम ओ एच लिखेंगे यहाँ देन देयर इज अगेन सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री एंड थर्ड इज हेयर ये हम लिखेंगे ए ये हम लिखेंगे बी एंड दिस इज थर्ड वन सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी ओ एच सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री अगर आप इन इसकी लिखेंगे सी दिस इज सी नाउ लुक एट दीज थ्री मोलिक्यूल्स अगर आप इसमें देखेंगे ये भी अल्कोहल है ये भी अल्कोहल है तो ये भी अल्कोहल है सो दिस इज द सेम क्लास नाउ द पॉइंट इज इसमें चेन जो है वो चार कार्बन की है सो इट्स बेसिकली ब्यूटेन वन ऑल इसमें भी चेन जो है वो चार कार्बन की है So it is butane two all. So chain carbon, number of uh, jo parent carbon hai in domain, that is same. Class is also same. So what differs is, is my OH group position number one. Pe hai. It is, is my OH group carbon number two. Pe hai. So the position of functional group, that is OH over here, is basically different. So what A and B are, they are position isomers. So A and B, they are basically position isomers. नाउ अगर आप सी के साथ इनको कंपेयर करेंगे इसमें जो है इसमें मदर चेन जो है वो तीन कार्बन की है सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल इज द नेम ऑफ कंपाउंड हेयर इन दिस केस इट इज ऑल्सो अल्कोहल बट द मदर चेन इज डिफरेंट इसमें मदर चेन चार की है इसमें मदर चेन चार की है लेकिन इसमें मदर चेन तीन कार्बन की है जस्ट इट मीन दैट हमने ऑलरेडी uh, डिस्कस किया है मदर चेन और क्लास मस्ट बी सेम सो क्लास तो सेम है ही बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू अल्कोहल बट मदर चेन जो है वो सेम होना चाहिए बट दैट इज डिफरेंट ओवर इफ यू लुक इसमें चार कार्बन की मदर चेन है इसमें तीन ही कार्बन की मदर चेन है इसमें चार कार्बन की मदर चेन है लेकिन इसमें तीन ही कार्बन की मदर चेन है इंडिकेटिंग दैट जो ए और सी है एंड बी और सी है दे आर नॉट पोजिशन आइसोमर्स

मदर चेन पांच कार्बन की है एक दो तीन चार पांच इसमें भी मदर चेन जो है या पेरेंट चेन जो है वो पांच कार्बन की है एक दो तीन चार पांच ठीक अब लेकिन इसमें जो है कार्बन नंबर दो पे है लेकिन इसमें जो है सबस चौंट कार्बन नंबर तीन पे है आई टोल्ड यू दैट द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या फिर सबस चोट दैट मस्ट बी डिफरेंट तो आप देख सकते हैं मदर चेन इज सेम पेरेंट चेन इज सेम Class is same because it's alkane. it's also alkane so class is same what differs only is the position of substitution over here it's at carbon number two it's at carbon number three so they are position isomers I hope you understand how you can identify a molecule uh, how you can identify the number of uh, these position isomers in a molecule Ab, agar aapke paas question aayega, suppose aapke paas question hai, find the नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C3H7Cl. आपके पास है सी थ्री एच सेवन सी एल आपको बताने हैं इसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं आप इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं द पॉइंट इज यू विल बेसिकली कंसिडर दिस सी एल एस एच फॉर टाइम बींग कंसिडर करेंगे इस क्लोराइड को हाइड्रोजन सो so, ये बनेगा सी थ्री एच एट ये अल्केन जब बनेगा सी थ्री एच ए टाइप आई टोल्ड यू के नंबर ऑफ चेन सब कैसे निकालते हैं फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है रेस रेस पावर पावर सो की जगह क्या है थ्री सो थ्री माइनस फोर प्लस वन ये तो नेगेटिव आएगा जब ये नेगेटिव आएगा तो इसके आइसोमर्स कुछ नहीं है ये एक ही मॉलिक्यूल है आई टोल्ड यू दिस आई टोल्ड यू दिस कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू और कार्बन नंबर थ्री इनमें कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू और इनमें कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं ये एक ही मॉलिक्यूल होता है इज नो नो चेन चेन आइसोमर आइसोमर एट एट ऑल ऑल आपको पहले चेन आइसोमर्स निकालने हैं सो so, चूंकि ये कार्बन नंबर थ्री है सो so, इसमें कोई आइसोमर नहीं है एक ही मॉलिक्यूल है सो देर इज ओनली वन मॉलिक्यूल दैट हियर वन टू एंड थ्री अब इसको बनाएंगे आप ठीक अब देखिए क्योंकि इसमें सेल है अब अब हाइड्रोजन निकालेंगे उसकी जगह सीएल डालेंगे कैसे करेंगे वो आप वो काम अब देखिए अगर आप यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे ये हाइड्रोजन निकालना और यह हाइड्रोजन निकालना सेम है बिकॉज दे हैव द सेम एनवायरमेंट इस मिथाइल को भी यहां यहां है है इस मिथाइल को भी सो हाइड्रोजन आर सेम तो अगर मैं से प्रेजेंट करूंगा ये भी एक्स प्रेजेंट करूंगा दीज हाइड्रोजन सो यहां से निकालेंगे यहां से निकालेंगे एक ही कंपाउंड बनेगा अब अगर आप यहां से निकालेंगे तो दिस विल बी डिफरेंट दिस विल बी डिफरेंट तो तो ये 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 जो है एक वाले और दूसरा ये वाले जब दो किस्म के हाइड्रोजन है ऑब्वियसली दो आइसोमर्स बनेंगे सो so इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं दो बात खत्म करना क्या है करना यह है कि आपको ये क्लोराइड करना है मान लेना है इट्स हाइड्रोजन तो ये बनेगा सी थ्री एच एट जब अल्केन बनेगा अल्केन के आइसोमर्स आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं क्योंकि कार्बन नंबर तीन है इनमें कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं चार से आइसोमर्स स्टार्ट होते हैं तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल है हमने यो बनाया अब आपको देखना है कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है जितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे उतने जो है आइसोमर्स बनेंगे इसमें दो किस्म के हाइड्रोजन है कैसे बिकॉज ये किस्म और ये किस्म सेम है आपको नहीं देखना है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है नहीं बल्कि कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है ये तीन हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन जो है वो सेम है बिकॉज उनका एनवायरमेंट सेम है इस मिथाइल का यहां से है CH2, इस मिथाइल का भी यहां से है CH2, टू सो दिस इज हैविंग सेम एनवायरमेंट एज दिस इज हैविंग सो आर द वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस हैविंग

क्योंकि अगर यहां से नहीं डालेंगे निकालेंगे यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो भी बनेगा वन क्लोरोप्रोपेन यहां से निकालेंगे तो भी बनेगा वन क्लोरोप्रोपेन सो इट सेम मॉलिक्यूल अब बीच में से अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा सी एच थ्री यहां पे एक हाइड्रोजन रहेगा इसकी जगह सेल डालेंगे सी एच थ्री टू क्लोरोप्रोपेन सो दो आइसोमर आपके बनते हैं इस तरीके से आप नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिटरमाइन कर सकते हैं सो देयर आर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे फाइंड द नंबर ऑफ अल्कोहल्स इन आपको बताने कितने अल्कोहल्स है इसमें सी फोर एच नाइन ओ एच में सॉरी इट्स लाइक दिस सी फोर एच एट ओ एच हम लिखेंगे ऐसे या इसकी जगह हम ऐसे करते हैं फार्मूला का लिखेंगे पूरा सी फोर एच नाइन ओ इसमें जो है कितने आपके अल्कोहल्स बनते हैं कितने आपको अल्कोहल्स बनते हैं तो आप क्या करेंगे यू विल डू वन थिंग आप ये करेंगे कि ओवर हियर दिस अल्कोहल तो ये जो मॉलिक्यूल आपके पास है आपको कंसिडर करना है ओएच हाइड्रोजन, तो ये बनेगा सी फोर एच टेन जब कार्बन होते हैं तो कैसे निकालते हैं आप उस में चेन आप निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला टू एन माइनस दो चेन आइसोमर्स निकलेंगे आपको इन दो चेन आइसोमर्स को बनाना है आप ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया अब देखिए इसमें डालेंगे एच टू डालेंगे एच टू डालेंगे एच थ्री डालेंगे, H2 डालेंगे, H3 डालेंगे. इसमें हम थ्री डालेंगे यहां मिथाइल मिथाइल सेटिस्फाई करेंगे एच बनेंगे सो दिज आर द टू चेन आइसोमर्स अब देखिए अब आपको एच निकालना है उसकी जगह ओच डालना है तो क्या करेंगे आप आपको देखना है टाइप ऑफ हाइड्रोजन नाव ये तीन हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन सेम है तो दिस एक्स एंड दिस इज एक्स ये दो इसका इन दो हाइड्रोजन का एनवायरमेंट यहां से क्या है मिथाइल है यहां से सी एच टू है इसका भी क्या है यहां से सी एच टू यहां से मिथाइल दे आर ऑल्सो सेम सो इट्स बट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू सो इट्स वाई एंड दिस इज वाई मतलब इसमें दो किस्म के आपके हाइड्रोजन मिलते हैं एक टर्मिनल वाले दूसरा बीच वाले सो so, बीच वाले जो है वो टर्मिनल वाले से डिफरेंट है तो ये लेकिन ये आपस में मिलते हैं ये आपस में मिलते हैं सो इट्स वन टाइप इट्स अनदर टाइप सो देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन सो इसमें कितने आइसोमर्स देयर फोर टू जब यहां से आप हाइड्रोजन निकालेंगे या यहां से निकालेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा बाई रिप्लेसिंग ओ एच तो यहां से जब बीच में से निकालेंगे तो दूसरा बनेगा तो दो जो है इसमें बनेंगे आपको दो अल्कोहल्स अब अगर ये जो है ये वाला ये वाला और ये वाला दे आर हैविंग सेम ये भी मिथाइल है अटैच टू सी एच ये भी मिथाइल है अटैच टू सी एच ऑल द थ्री मिथाइल आर सेम सो इट्स वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन एक्स 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 हम रिप्रेजेंट करेंगे इन हाइड्रोजन को बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द थ्री सो इट्स वाई टाइप सो आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एक तो ये वाले और ये वाला जब ये टू टाइप्स है दो आइसो दो अल्कोहल फिर से बनेंगे दो दो कितने हो गए ओवरऑल चार अल्कोहल जो है इसमें बनेंगे बात खत्म कैसे करना है आपको इसमें से हाइड्रोजन निकालो ओ दो, तो ये बनेगा ये बनेगा ब्यूटेन वन ऑल बीच में डाल दो तो ये बनेगा ब्यूटेन टू ऑल टर्मिनल में डाल दो तो ये बनेगा वन टू टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल बीच में डाल दो तो ये बनेगा टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल चार आइसोमर्स आपके बनेंगे चार अल्कोहल्स आपको बनेंगे i hope you understand it i hope you understand it now if there are five carbons find the structural isomers in c5h 11 br इसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं क्या करना है यू टेक दिस ब्रोमीन एज़ हाइड्रोजन तो ये बनेगा अल्केन. सिंथस में पांच कार्बन हैं तो आपके पास फार्मूला अवेलेबल है टू रेस पावर एन माइनस फोर प्लस वन दैट इज टू रेस पावर फाइव माइनस फोर प्लस वन दैट इज टू रेस टू प्लस वन दैट इज थ्री इसमें चेन ऐसो तीन बनते हैं बनाइए आप पांच कार्बन वाले में एक दो तीन चार और पांच एक दो तीन चार और पाँच एक दो तीन चार और पाँच अब हाइड्रोजन डाल दीजिए सेज थ्री सेज थ्री सेज टू सेज टू CH2. ये बनेगा नॉर्मल पेंटेन ये बनेगा आपका आइसो आइसो बूट आइसो पेंटेन ये बने आपका न्यू पेंटेन सो दीज आर द थ्री चेन आइसोमर्स ऑफ व्हाट दिस कंपाउंड पेंटेन मगर आपको बी आर एड करना है तो बी आर कहां का एड करेंगे आप बी आर एड करेंगे जहां हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप्स के होंगे अब देखिए आप ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम है, सो इट्स वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन करेंगे ये 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 वाले वाले और भी सेम है, it's y type. ये वाला है वाला so तो तीन आइसोमर्स इसके बनेंगे अब ये वाला और ये वाला सेम है एक्स ये वाला डिफरेंट है हो गया वाई ये वाला डिफरेंट है हो गया जेड एंड दिस इज डिफरेंट ऑफ हो गया ए सो हाउ मेनी आर देयर वन

ये तीनों सेम नहीं हो सकते क्यों बिकॉज इसका एनवायरमेंट इसका एनवायरमेंट सेम है लेकिन इसका एनवायरमेंट इनकी जगह सेम नहीं है आप देख सकते हैं यहां इसका एनवायरमेंट क्या है दाएं साइड से लेफ्ट साइड से सी थ्री अब इसका देखिए इसका यहां से भी सी टू यहां से भी सी एच टू सो इज डिट एनवायरमेंट इट्स डिफरेंट सिमिलरली आप यहां देखेंगे इसका क्या है यहां से सी है तो, इसका क्या है यहां से सी सेम एनवायरमेंट इसका क्या है यहां से इट्स नॉट सेम एज टू सो इट्स व्हाई इसका क्या है यहां से इसका क्या है सी अब ये जो है इनका सेम नहीं है क्यों नहीं सेम बिकॉज इसका यहां से यहां से से इसका एक ही साइड से 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 है एंड आर ओनली वन सो डिफरेंट सो चार आइसोमर्स इनके इसके बनेंगे तीन आइसोमर्स इसके बनेंगे अब देखिए इसका क्या है यहां से कार्बन यहां से भी कार्बन इसका यहां से भी कार्बन इसका यहां से भी कार्बन, इसका से भी कार्बन सारे हाइड्रोजन सेम है तो इट्स वन टाइप ओनली तो एक्स तो इसमें कितने बनेंगे एक हो गए कितने टोटल चार प्लस थ्री सेवन प्लस वन इज एट इसमें टोटल आइसोमर्स आपको निकलेंगे आठ सी फाइव एच एलेवन बी आर में आई होप यू अंडरस्टैंड इट आपको किस तरह इस किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है सिंपली आप करेंगे क्या काम आप पहले इसको अलकैन मानेंगे पांच कार्बन वाला सिस्टम मानेंगे तो आपको चेन आइसोमर्स निकालने हैं उसको फिर बनाना है आपको चेन आइसोमर्स कैसे बनते हैं देन यू बेसिकली सी द टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपको बी आर करना है अकॉर्डिंगली आपके आइसोमर्स निकल करके आएंगे आई होप यू अंडरस्टैंड इट This is how you can find the structural isomers and what basically was the position isomerism. I al already talked about that. I hope you understand that. Uh, so next video may have hopefully a functional isomerism or ring chain, whatever comes. So till then, take good care of yourselves. Thank you very much.